हेलो दोस्तों, एमके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तीन बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिवाइज रिजल्ट है वो किस विषय का जारी किया गया है, और इंटरव्यू रिजल्ट जो है वो किस विषय का जारी किया गया है, और किस विषय के लिए यहाँ पर इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, ये तीनों आज की सबसे बड़ी अपडेट है। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी अपडेट है रिवाइज रिजल्ट की। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पल पल की अपडेट है वो दी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर आ चुका है ऑफिशियल नोटिस है आरपीएससी का। ये दोस्तों 1/10/2024 का है, और यहाँ पर मिलिट्री साइंस की जो मुख्य सूची है उसका ये रिजल्ट है आपके सामने। इसमें दोस्तों, जो मिलिट्री साइंस है उसमें जो फाइनल रिजल्ट है इंटरव्यू के बाद में वो जारी किया गया, उसमें एक कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है, जिसका कट ऑफ दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो मेल है उसका 123.33 पर है। और दोस्तों, ये आउट ऑफ 225 में से ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपके सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों, इसी मिलिट्री साइंस का जो वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट है यानी कि आरक्षित सूची का, वो दोस्तों आपके सामने है। और दोस्तों, इसमें भी आरक्षित सूची में एक कैंडिडेट को यहाँ पर रखा गया है, जिसके रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसी आरक्षित सूची का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 113.47 यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों, मिलिट्री साइंस के जो भी कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो साइकोलॉजी विषय है उसका इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट है उनके रोल नंबर यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अब इनका जो इंटरव्यू है वो होगा, और इन्हें अस्थायी रूप से यहाँ पर सफल घोषित किया गया है। लगभग 33 यानी कि 33 कैंडिडेट को यहाँ पर अस्थायी रूप से सेलेक्ट किया गया है, और इनका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, इन कैंडिडेट को क्या करना है, इंटरव्यू के लिए इस साइट से अपना फॉर्म डाउनलोड करना है, भरना है, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में भर करके, और जो आरपीएससी कार्यालय है उसको 15/10/2024 तक यहाँ पर भिजवाना है। फिर बाद में उनका इंटरव्यू होगा और फाइनल रिजल्ट जो है इंटरव्यू के बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि साइकोलॉजी में इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी में मेल का 96.29 पे है, और विधवा का यहाँ पर दोस्तों 19.74 है। वहीं एससी कैटेगरी में दोस्तों मेल का जो कट ऑफ है वो 86.97 है, तो और फीमेल का भी इसी के बराबर 86.97 है। एसटी कैटेगरी में दोस्तों मेल का जो कट ऑफ है 79.79 पे है, और ओबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों का ही 96.29 पे कट ऑफ गया है। एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर 14.11 पर है, और दोस्तों देख सकते हैं कि एमबीसी कैटेगरी में काफ़ी कम कट ऑफ है। दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 200 में से है, क्योंकि इंटरव्यू अब होगा, और इसमें 200 में से केवल 14 पे कट ऑफ जाना काफ़ी बड़ी बात है। और दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 96.29 पे कट ऑफ गया है। इन दोस्तों को यहाँ पर जो है कट ऑफ के जो है कट ऑफ जारी करने के बाद में इनको अब जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और वहीं पीएच कैटेगरी में यहाँ पर 28.67 पे जो कट ऑफ है वो रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी विषय में जो एमबीसी कैटेगरी है उसमें काफ़ी कम कट ऑफ है, केवल 14.11 पर। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट प्रोविजनली रूप से यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं साइकोलॉजी विषय में, तो वो अपना इंटरव्यू है उसकी तैयारी करें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात और आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आपके सामने है। दोस्तों, यहाँ पर जो इतिहास विषय है उसका यहाँ पर जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है वो 2014 की भर्ती है, यानी कि आज 2024 है, और लगभग 10 सालों बाद में यहाँ पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय है जयपुर, उसके आदेश पर ये रिजल्ट जारी किया गया है, और इसमें लगभग 5 कैंडिडेट को जो है सफल रूप से यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर यहाँ पर 5 कैंडिडेट के यहाँ पर दे दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने रिट लगाई थी और वो सेलेक्ट नहीं हुए है कट ऑफ में, उनके रोल नंबर भी यहाँ पर है। तो दोस्तों, लगभग 10 सालों के बाद में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर इतिहास विषय का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर जो राजस्थान उच्च न्यायालय में यहाँ पर जो रिट लगाई थी, और उनके रिट के जवाब में यहाँ पर जो है अब उनके केस का जो रिजल्ट है वो आने के बाद में यहाँ पर 5 कैंडिडेट को फाइनल रूप से सेलेक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जिनके रोल नंबर है, तो वो अपने यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग की तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों उनका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पल पल की अपडेट है वो दी जाती है, साथ ही राजस्थान की सभी भर्तियों की जो अपडेट है वो भी यहाँ पर दी जाएगी।